मित्रों नमस्कार। शिक्षण की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिगम के बारे में। लर्निंग, व्हाट इज द लर्निंग, लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षण क्या है, सीखना क्या है। हमने इससे पहले शिक्षण के बारे में चर्चा किया था, आज हम लोग सीखने के बारे में चर्चा करेंगे कि सीखना है क्या। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध है। वह शिक्षण सबसे अच्छा माना जाता है जो बालक को सिखाने में सफल होता है, अर्थात जो बालक को सिखा दे, कोई भी सब्जेक्ट को विद्यार्थी आत्मसात कर ले, वही शिक्षण सही है। विद्यालय में सीमित वातावरण में शिक्षकों के सदैव यह प्रश्न रहता है कि बालक को क्या, कैसे और क्यों सिखाएं। कारण यह है कि प्राचीन समय की अपेक्षा आज सीखने में ज्ञान के अर्जन से कहीं अधिक जो महत्वपूर्ण बातें वो सम्मिलित है यहाँ पे। प्राचीन काल में ज्ञान अर्जन के लिए लोग अध्ययन किया करते थे, परंतु वर्तमान में जो शिक्षण की पद्धतियाँ हैं वो केवल ज्ञानार्जन नहीं है, बल्कि जीव को पार्जन के लिए कई अलग अलग तकनीकियों का उपयोग करना है। सफल शिक्षण के लिए इन सब की जानकारी आवश्यक है। यहाँ पे इसका हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जान लें कि अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम सीखना, मीनिंग ऑफ लर्निंग। सामान्य रूप से सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ऐसा गेट्स महोदय ने कहा है। लर्निंग इसे मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। उदाहरणार्थ बच्चे का जलते हुए दीपक को पहली बार छूना, जब बच्चा पहली बार दीपक को छूता है तो यह उनका एक स्वाभाविक कार्य है, और जब छूता है तो उसे जल जाता है। पर जलने में अनुभव के, जब हाथ जल जाता है और जलने में अनुभव के आधार पर जलते हुए दीपक को फिर से छूना, ये सीखा हुआ कार्य है। क्योंकि पहले बार जब जलता है तो उसे एक अनुभव होता है, क्योंकि वो उससे कुछ सीख चुका होता है। इस संदर्भ में अनुभव के कारण बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। अब जब छुएगा तो डरेगा, या डर के छुएगा, या बड़ा ध्यान से छुएगा ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस संदर्भ में रॉबिन्सन का मत है कि सीखना एक अनुभव है, व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, जिसके कारण कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है और व्यवहार की नई विधियां अपनाई जाती है। कुछ भी हो, एक कहावत है, दूध का जोला व्यक्ति दही को भी फूंक के पीता है। इसका मतलब जब व्यक्ति को एक बार अनुभव हो जाता है तो अगला जो स्टेप्स होता है बड़े बड़े सावधानी से उसे उठाता है। क्रो व क्रो इन्होंने बड़े अच्छी बातें कही हैं अधिगम के विषय में। सीखना ज्ञान और अभिवृत्ति को बढ़ाना है। लर्निंग इसे एक्वाइजन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। नॉलेज हमारे ज्ञान है और एटीट्यूड हमारे जो तौर तरीका है जीने का, इसको बदलता है, चेंज करता है। स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार को अपनाने की एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, मतलब नए नए व्यवहार को व्यक्ति आत्मसात करता है, सीखता है उसको। क्योंकि सीखने में व्यक्ति केवल बाह्य वस्तुओं को नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उसे आत्मसात करता है। उडवर्थ ने कहा है कि नए ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। वह नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है, अर्थात पुराने ज्ञान में एक नया ज्ञान का समायोजन है सीखना। मैक गियोक इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही है।
अभ्यास के परिणाम स्वरूप कार्य में परिवर्तन ही सीखना है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप किसी कार्य को बार बार करते रहना, हमारी संस्कृति में कहा जाता है अभ्यास ही गुरु है। किसी वस्तु को बार बार करने से, अभ्यास करने से वो जीवन में परिवर्तन लाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सील पर होत निशान। पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया अभ्यास का परिणाम स्वरूप है। ऐसा मैकग्योग ने जो बात कही है ये महत्वपूर्ण है। सीखने की विशेषताएं, करेक्टेक्टिस ऑफ लर्निंग। योकम व सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार कही गई है। नंबर वन, सीखना अभिवृद्धि है, लर्निंग इज ग्रोथ। बालक अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसकी शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि होती है। तात्पर्य यह है, सीखने से व्यक्ति के अंदर में ग्रोथ होता है, बढ़ती है। इसी को ध्यान रखते हुए पेस्टोलॉजी ने कहा है इसकी तुलना वृक्ष से, एक बढ़ते हुए वृक्ष, क्योंकि बढ़ता हुआ वृक्ष में एडॉप्टेशन की और वे वातावरण को स्वीकार करता है, उससे एडॉप्ट करता है और अपने आप का ग्रोथ करता है, हाईली ग्रोथ करता है। इसलिए फ्रॉबेल ने इसकी तुलना उपवन से की है। तो सीखना अभिवृद्धि है, नंबर। दूसरा, सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज ए एडजस्टमेंट। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नए परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इनके अनुकूल बनाते हैं तभी कुछ सीखते हैं। गेट्स का कथन है कि सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से है। क्रमिक परिचय कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकूलन, अपने आप को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करना। नंबर तीसरा, सीखना अनुभवों का संगठन है, लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना न तो नए अनुभव की प्राप्ति है, न पुराने अनुभव का योग। तो है क्या ये? कहता है ये नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभव के द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपने आवश्यकता के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। नए और पुराने दोनों का संयोग कर व्यक्ति सीखता है। नंबर फोर्थ, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज ए परपोजिव। निश्चित पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्य जितना ही प्रबल होगा सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। हमें लक्ष्य चाहिए, उद्देश्य चाहिए। मार्शल ने कहा है कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है, और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। अर्थात सीखने के लिए उत्तेजित, अर्थात व्यक्ति को उसमें अधिक लगन के साथ, और निर्देशित उद्देश्य की आवश्यकता होती है। हमें निश्चय करना होता है कि हमें करना क्या है, पाना क्या है, होना क्या है, बनना क्या है। नंबर पांचवा, सीखना विवेकपूर्ण है, लर्निंग इज ए इंटेलिजेंस। सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को रटना
वो रटन विद्या है। सीखना तो व्यक्ति अनुभव से सीखता है, विवेक पूर्वक सीखता है, और जो सीखता है उसे वो जीवन में धारण करता है। सीखना सक्रिय है, लर्निंग इज एक्टिव। सक्रिय सीखना ही उद्देश्यपूर्ण सीखना है। बालक तभी कुछ सीखता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। जिस सीखने में उस पर दूसरे व्यक्ति द्वारा ज्ञान लादा जाता है वह निष्क्रिय होता है। सक्रिय तो वो होता है व्यक्ति आगे बढ़ करके सीखने के लिए तत्पर होता है। नंबर नेक्स्ट, सीखना जीवन भर चलता है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है। छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे ज्ञान व्यक्ति अपने जीवन में एक्सेप्ट करता है और अपने आप क्या है, वृद्धि को अग्रसर करता है। सीखना व्यवहार को प्रभावित करता है। लर्निंग एफेक्ट बिहेवियर। सीखना दो प्रकार का है, वास्तविक और अवास्तविक। यदि हम एक भाषा को सीखकर उसके द्वारा अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो यह एक वास्तविक सीखना है, पर यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो यह अवास्तविक सीखना है। सीखी हुई ज्ञान का इम्प्लीटेशन अर्थात उसका हम प्रयोग अगर सही तरह उस कार्य करते हैं तो वास्तविक, अगर सीख कर भी उस कार्य का प्रयोग नहीं करते, जीवन उसे नहीं उतारते तो हमारे लिए अवास्तविक है। सीखना खोज करना है, लर्निंग इसे डिस्कवरी। वास्तविक सीखना किसी बात का खोज करना है और उसको स्वयं सीखना है। इस प्रकार से सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचता है। मार्सेल का कथन है कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति सीखना और जानना चाहता है। तो सीखना अर्थ और जानना, ये दोनों प्रक्रिया महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं। हम किस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, और वास्तव में सीखता वही व्यक्ति ज़्यादा है जिसके अंदर में खोजी दिमाग होता है, किसी वस्तु को खोजने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। अगला क्रम है सीखने पर प्रभाव डालने वाला तत्व, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। सीखने को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, उन कारकों को हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं इस कड़ी में। नंबर वन, पाठ्य विषय का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये हमारे सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करता है कि जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करने वाले हैं, जिस पाठ्य विषय का अध्ययन करने वाले, उसका संगठन ठीक प्रकार से किया गया या नहीं। छात्रों को उसे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाइयां तो नहीं हो रही है। यदि कठिनाई हो रही है तो निश्चित तौर वाले कि वो पाठ्यक्रम उचित नहीं है, वो भी व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरी बात, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सीखने में इन दोनों का बड़ा महत्व है। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्रता से सीखते भी हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति रोगग्रस्त है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक रोग किसी प्रकार के हो, तो उसके अंदर रुचि का अभाव होता है, परिणामतः वे दूर दूर तक कुछ भी नहीं सीख पाते। तो सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। नंबर तीसरा है परिपक्वता, मैच्यूरेशन। अब मैंने जो पहले बात कही कि शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है, ये जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक जो स्वस्थ होता है तभी परिपक्वता आती है और बच्चे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
और वे सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करता। यदि छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं है तो सीखने में उनके समय और शक्ति दोनों का नाश होता है। तो हम जो सिखाने जा रहे हैं कोई वस्तु है अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग उसे क्या है ध्यान रखना होता है, अन्यथा सीखने में बाधा हो सकती है। कहने का मतलब यह है छोटा बच्चा है और उसे मैं हाई क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो दिक्कतें हो सकती हैं। हम जिस सब्जेक्ट के लायक हैं जो सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसी प्रक्रिया को रखें तो परिपक्वता ज़्यादा अच्छी हो सकती है। चौथा नंबर है सीखने का समय व थकान, टाइम ऑफ लर्निंग एंड फटिग। सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। जब छात्र विद्यालय आते हैं तब उसमें स्फूर्ति होती है अतः उसको सीखने में सुगमता होती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो थकावट बढ़ जाती है। अब जैसे शरीर में थकावट आती है तो उसके अंदर में क्या है कई प्रकार की स्फूर्ति का अभाव होता है और जब थकान होती है परिणामतः सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है और बच्चे किसी भी विषय को क्या है अनदेखा करना शुरू कर देता है। तो हमें ध्यान रखना ये होता है कि समय और दूसरी बात थकान, टाइम बहुत लंबे समय तक अध्यापन न हो जिसे व्यक्ति सीख ना सके, कम समय में हो, रुचिकर हो। पांचवा सीखने की इच्छा, विल टू लर्न, महत्वपूर्ण है ये। यदि छात्र में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेता है और सीखने के लिए इच्छा नहीं है चाहे कितनी अच्छी परिस्थितियां हो व्यक्ति सीख नहीं सकता उसे। इसलिए महत्वपूर्ण है सीखने की इच्छा का होना। अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो हमारे सीखने की प्रक्रिया में वो रोड़ा पैदा करेगा। इसके लिए उसके अंदर रुचि और उत्सुकता को जागृत करना आवश्यक होता है। छठवा है प्रेरणा, मोटिवेशंस। मोटिवेशन प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का, मोटिव्स का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रेरणा बालकों को नई बातें सीखने के लिए उत्प्रेरित करता है। यदि शिक्षक छात्र को किसी तरह से अगर प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है तो विद्यार्थी उसमें आगे बढ़ करके उस कार्य करने के लिए तत्पर होता है और वो सीखता है। सातवां नंबर है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है ही, उसके कार्यों और विचार व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि छात्र के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। विद्यार्थी केवल किस सब्जेक्ट को नहीं सीखता, वे शिक्षक को देखता है, उनकी तौर तरीका, आचार व्यवहार, सब कुछ को विद्यार्थी देखता है और सीखता है। इस बात में शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र और सरल होती है। व्यक्तित्व देख करके विद्यार्थी सीखता है और उसमें जीने का प्रयास करता है। सीखने का उचित वातावरण, आठवां नंबर पॉइंट है फेवरेबल लर्निंग एटमॉस्फियर। सीखने की प्रक्रिया पर केवल कक्षा के अंदर वरन बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास के जितने भी वातावरण हैं ये सारे प्रभावित करता है। अगर निरंतर कहीं शोरगुल हो रहा है तो सीखने की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आती है। तो हमारे आसपास के वातावरण जो है शांत हो, सीखने योग्य हो तो हमारे लिए उचित हो सकता है। नाइन नंबर है सीखने की विधि, लर्निंग मेथड। सीखने विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है सीखना उतना ही सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और करके सीखने की विधि महत्वपूर्ण
मानी जाती रही है। सीखने की प्रति में खेलने की प्रक्रिया, खेल से विद्यार्थी जल्दी से जीवन में उसको स्वीकार करता है, सीखता है, उसके अंदर सामूहिक सहसंबंध की प्रक्रियाएं विकसित होती है। 10th नंबर है संपूर्ण परिस्थिति, टोटल सिचुएशन। बालक के सीखने को प्रभावित करने वाले जितने तत्व हैं, वे उस पर पृथक पृथक प्रभाव डालकर सामूहिक रूप से उसे प्रभावित करता है। अर्थात रायबर्न के अनुसार उस संपूर्ण परिस्थितियों का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन में जितना अधिक संबंध होता है उतना ही अधिक सफल स्थायी उसका सीखना होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, उस संपूर्ण परिस्थितियों का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, पूरी तरह से जीवन से उतना, जीवन से जितना अधिक संबंध होता है उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। जीवन के साथ जितना अधिक संबंध होता है व्यक्ति जीवन को स्वीकारता है। स्वीकारना महत्वपूर्ण है। जीवन क्या है, कैसा है, करना क्या है, क्यों करें, क्यों ना करें, अगर व्यक्ति जीवन के उद्देश्यों को जानता है और स्वीकार करता है तो उतना ही वो व्यक्ति सरलता से, सहजता से जीवन में सीखता हुआ चला जाता है। सीखने की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। किसी नई क्रिया या पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें से पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वो जल्दी सीखते हैं। डॉक्टर मेस का कथन है कि स्मृति का कथन मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। करके सीखना अनुभव है, उद्देश्यों के साथ सीखा जाता है, व्यक्ति का नज़दीक से उसका लगाव होता है। नंबर दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करता है उसकी विषय में जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं। योकम ने कहा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, प्रदत्त एकत्रित करने और वस्तु तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है, इसलिए निरीक्षण द्वारा हम जल्दी से सीख पाते हैं। तीसरा है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद निष्कर्ष में पहुंचता है कि इस प्रकार जिस बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग बन जाता है। क्योंकि हम जिसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा अनुभवदायक होता है और हम उसे सीख पाते हैं। चौथा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। सीखने कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीका से होता है। कक्षा में सीखने कार्य सामूहिक होने के कारण सामूहिक विधियों पर आधारित किया जाता है। अब इन विधियों में अलग अलग विधि है जिसमें से वाद विवाद हो सकता है, वर्कशॉप विधि हो सकती है, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियां हो सकती है और प्रोजेक्ट मेथड वाली विधियां हो सकती है। ये अलग अलग विधियां हैं जो सामूहिक विधियों के रूप में सीखा जा सकता है और इसे विद्यार्थी जल्दी से और सरलता से सीख पाता है। पांचवा है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड। सीखने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, पूर्ण विधि होल मेथड और आंशिक विधि पार्ट मेथड। ये दो विधियां हैं। पहली विधि में छात्र को पहले पाठ विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी विधि में पाठ्य विषय को
खंडों में बांट दिया जाता है इकाई में, जो कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। वैसे नॉर्मली इन दोनों को मिला देने से सीखने की प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि विषयों का पूर्ण ज्ञान देकर उसे खंड खंडों में यदि उसका प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा ही सीखने के लिए, अधिगम के लिए उचित और उपयोगी होता है। निष्कर्ष के रूप में अंतिम में कहा जा सकता है, सीखने कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की स्थिति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग सिचुएशन। यह तभी संभव है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने का सभी क्रियाएं उपलब्ध हो और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए, तभी लर्निंग का प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया तीव्रतर हो सकता है। तो आज हम इतना ही सीखने की प्रक्रिया में। अगले क्रम में शिक्षण और अधिगम दोनों के बीच में सह संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।